स्पाइसजेट की मुंबई दुर्गापुर उड़ान को हवाई अड्डे पर उतरते समय रविवार को गंभीर वायुमंडलीय विक्षोभ का सामना करना पड़ा, जिस दौरान उसमें सवार कम से कम 17 यात्री घायल हो गए। सूत्रों ने बताया कि घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान कई यात्री बुरी तरह से घबरा गए। सीटों के ऊपर रखा सामान नीचे गिरने से हालत और भी गंभीर बन गए थे। हालांकि पायलटों की सूझबूझ से यात्रियों से भरे विमान को ठीक प्रकार से तूफान से बाहर निकाल लिया गया। मुंबई से उड़कर रविवार को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले भयंकर एयर टर्बुलेंस का शिकार हुए स्पाइसजेट के विमान के भीतर का एक डरावना वीडियो भी सामने आया है। विमान के भीतर मची आपाधापी और एक हद तक हाहाकार की घड़ियों की कैमरे में कैद हुई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सामान फर्श पर छितराया पड़ा है और ऑक्सीजन मास्क लटक रहे हैं। यहां तक कि केबिन बैगेज भी यात्रियों के ऊपर आ गिरा है। घटना में कम से कम 17 लोग, जिनमें 14 यात्री और 3 केबिन क्रू शामिल है। डीजीसीए ने कहा कि घटना की नियामक जांच के लिए वे टीमों को तैनात कर रहे हैं। निर्देशक एचएन मिश्रा इसकी जांच करेंगे। जख्मी लोगों की मेडिकल रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।